मैं मेरे कुछ काम से दस्तावेज के काम से दस्तावेज लेने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्कूल में गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को अम्बेडकर ये नाम किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया। बाबा साहब के पिताजी ने अपने बड़े बेटे आनंद राव अम्बेडकर के आनंद राव जी के नाम के आगे अम्बेडकर लगाया। एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ी काल्पनिक बात बाबा साहब के जीवन से जोड़ दी गई है कि बाबा साहब को कोई ब्राह्मण गुरुजी था और उस गुरुजी ने बाबा साहब को अपना नाम दिया। आपकी वजह से मैं ये डॉक्यूमेंट निकालने के लिए इसलिए गया था, ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं मुझे ये जरूरत क्यों पड़ी। मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है, 10वीं पास हुआ इस साल। बहुत सारे बच्चे 10वीं अभी जून में रिजल्ट आए, मेरे भतीजे का भी रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद ऑब्वियसली स्कूल लीविंग उसको लेना है। अब स्कूल लीविंग लेने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक अधिकारी है, बुद्धिस्ट अधिकारी है, अपने आप को बुद्धिस्ट कहता है। ऐसे नालायक लोग हमारे समाज में भी है जो अधिकारी बने बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। उन्होंने एक जीआर निकाला महाराष्ट्र सरकार के एक मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला और जीआर निकाल कर कहा कि बौद्धों की जात उनकी मेंशन करनी है। देखिए मेरी जब एंट्री हुई, मेरा जब एलसी बना, स्कूल लिविंग बना, तब मेरे नाम के आगे सिर्फ बुद्धिस्ट लिखा हुआ है, ना तो महार लिखा हुआ है, ना हिंदू लिखा हुआ है, ना किसी जाति का वहां पर मेंशन है, सिर्फ बुद्धिस्ट लिखा हुआ है। अब स्कूल हमारे बच्चों को एलसी देने के लिए वो कहते हैं कि आपकी जात लिखेंगे। मैंने कहा कि मेरे एलसी पर जात नहीं लिखी, मेरे बच्चों के एलसी पर क्यों लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा जीआर है, अब जीआर है तो हमें हम वैसे दे नहीं सकते। मैंने कहा कि हमें जात नहीं लिखनी, तो उस स्कूल ने मेरे भतीजे को रिलीजन के कॉलम में हिंदू लिखकर उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। सोचिए जिस महामानव ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इस भारत में दी, उसी परिवार के लोगों को भारत सरकार हिंदू लिखवा रही है। कितना, यानी अगर ये अंबेडकर परिवार के साथ हो रहा है तो सोचिए हमारे आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। आज ऑफिशियली इस देश में बौद्धों की संख्या कम इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशासन हम लोगों को हिंदू लिख रहा है। अंबेडकर फैमिली भी इससे छूटी नहीं है और जब हमने उस स्कूल प्रशासन को आंदोलन करने की वहां पर हमने धमकी दी, तब उन्होंने कहा कि हम अभी तो आपको बुद्धिस्ट लिखकर दे रहे हैं, लेकिन इस 2 साल में अपने हमको कन्वर्टेड बुद्धिस्ट का दाखला नहीं दिया तो हम आपको हिंदू लिखकर फिर से एलसी जनरेट करेंगे, ये एलसी कैंसिल करेंगे और हिंदू एलसी देंगे। और तब अभी मैंने अपनी जाति का दाखिला सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, तो मेरा ही नहीं है तो मेरे बच्चों का कहां से होगा? अब अगर मुझे निकालना है तो मुझे 1950 के डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। अब 1950 के डॉक्यूमेंट्स, हम 4 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते, 1950 के डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? मेरे पिता का जन्म 1950 का है, मार्च महीने में, 25 मार्च का राजगुरु में मेरे पिताजी का जन्म है। तो मैंने सोचा पिताजी के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके हम कास्ट सर्टिफिकेट निकालेंगे। तो 1950 के डॉक्यूमेंट्स जमा करने का प्रोसेस में कर रहा था और तब पता चला कि पिताजी की स्कूल ही बंद हो गई है। अब वो स्कूल में से मैं एलसी कहां से लेकर आऊं जो स्कूल ही अब वहां पर है ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा पिताजी का स्कूल तो नहीं है, कम से कम दादाजी का स्कूल कहां पर है वो ढूंढे, यानी मुकुंद राव जी का। तो मुकुंद राव जी की भी स्कूल वहां पर मुझे मिली नहीं। तो फिर मेरे एक कार्यकर्ता है कोल्हापुर के, सुभाष देसाई नाम के, तो सुभाष देसाई ने कहा कि सर कहां इधर उधर भटक रहे हो, यहां बाबा साहब के स्कूल में मैं अपने आंखों से बाबा साहब का रजिस्टर देखकर आया हूं, बाबा साहब का एलसी आपको सातारा के स्कूल से मिल जाएगा। और उन्होंने अपना सारा काम छोड़कर वो स्कूल में गए और स्कूल से हेडमास्टर से मेरी बात करवाई। उन्होंने कहा कि हम ये दाखिला सिर्फ फैमिली मेंबर को दे सकते हैं, किसी और के हाथ में हम नहीं देंगे और इसलिए आपको खुद यहां पर आना पड़ेगा। और फिर मैं सुभाष देसाई जी ने मुझे मैसेज दिया कि सर ये दाखिला आपके अलावा किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं मेरे सारे काम छोड़कर मैं 7 सितंबर की डेट मैंने उनको दी और फिर मैं स्कूल में गया। स्कूल में जाने के बाद मैंने जब मेरे सामने वो ये एलसी भरने लगे, मुझे लगा मुझे जेरोक्स कॉपी दे देंगे, जेरोक्स कॉपी भी मुझे चल जाएगी। तो मैंने उनको पूछा आप मुझे ओरिजिनल क्यों दे रहे हो, ये ओरिजिनल लिखा हुआ है, ये कोई जेरोक्स कॉपी नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि आप मुझे ओरिजिनल क्यों दे रहे हो, जेरोक्स नहीं है? तो उन्होंने कहा जेरोक्स ओरिजिनल ही किसी के पास नहीं है,
तो जेरोक्स हम उसकी दे नहीं सकते, इसलिए आपको डुप्लीकेट हम ये बनाकर दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये फिर से बनाकर दिया और मैंने उनको पूछा क्या मेरे पहले, यानी मैं तो अभी बाबा साहब के बाद की थर्ड जनरेशन हूँ, बाबा साहब के बाद यशवंत राव थे, मुकुंद राव थे, उनके बाद मेरे पिताजी थे प्रकाश अंबेडकर जी, उनके पोते हैं वो थे, अब उनके बाद मेरी जनरेशन आती है। तो मैंने पूछा क्या मेरे पहले के दो जनरेशन कभी ये डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गई? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे पहले कोई आपके परिवार से आया ही नहीं। और मैंने पूछा ठीक है हमारे परिवार से नहीं आया, लेकिन इतना बड़ा दस्तावेज भारत सरकार ने भी आपसे नहीं लिया? तो उन्होंने कहा कि हमें, हमारे पास तो कई सारे आरटीआई एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये दस्तावेज कॉन्फिडेंशियल होता है और इसलिए हम ये किसी को नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री भी अगर ये मांगे तो भी हम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ परिवार को ही, परिवार के मेंबर को ही दिया जाता है। और उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपकी भी पूरी इंक्वायरी की, आपकी भी फैमिली ट्री हमने पूरी जांची, जब हमें विश्वास हुआ कि आप बाबा साहब के फैमिली से है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया और मैंने उनको कहा कि अगर बाबा साहब का है तो फिर आनंद राव जी का भी होगा। उन्होंने कहा हाँ हमने खुद देखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे आनंद राव जी का भी डॉक्यूमेंट बताया और उन्होंने कहा बाबा साहब से पहले 5 साल पहले आनंद राव जी की एंट्री है 1885 की, और आज वो सारा डॉक्यूमेंट वो तैयार कर रहे हैं। और आनंद राव जी का भी इस तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर क्योंकि उनको वो ओरिजिनल ट्रेस नहीं हो रहा है, 1885 का डॉक्यूमेंट ट्रेस नहीं हो रहा है, उनके पास जेरोक्स है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जेरोक्स से हम एलसी नहीं तैयार कर सकते, जब तक उनका ओरिजिनल नहीं मिलता तब तक, इसलिए कम से कम मुझे वो स्कूल रजिस्टर से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये डॉक्यूमेंट भी इनफ है, तब जाके मैं अपने बच्चों के कन्वर्टेड बुद्धिस्ट के डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूँ। और इसलिए ये डॉक्यूमेंट मुझे हासिल हुआ, ये डॉक्यूमेंट इतना वायरल हो रहा है। कल मैंने जब इसको पोस्ट किया तुरंत मैंने इसे हटा दिया, मुझे थोड़ा डर था कि इसका मिसयूज ना हो, इसलिए तब जब मैंने बाकी लोगों से बात की तब मैंने सने कहा कि उसके ऊपर आप कुछ लिख दो तो वो मिसयूज नहीं होगा, इसलिए फिर मैंने उसके ऊपर एम्बॉस करके नाम डाल दिया है तो उसका मिसयूज नहीं होगा। तो इस तरह से मैं ये आप लोगों के सामने, ये एक बाबा साहब का दस्तावेज है और एक दस्तावेज है, मैं कभी बाद में लाइव आकर, मेरे अभी कबोर्ड में है, अंदर है, अभी उठूंगा तो ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक हमें आभार मनना है सतपाल ममन जी का, सतपाल ममन जी अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके में रहने वाले हैं और वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के और ब्रिटिश म्यूजियम के अब वो मेंबर बने हैं। और जैसे ही वो मेंबर बने उन्होंने बाबा साहब के डॉक्यूमेंट्स निकालने का काम किया है और उन्होंने मुझे लंदन से रिटर्न आते समय बाबा साहब के 2 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो आज भी भारत सरकार के पास नहीं है या अभी भी रिकॉर्ड पर नहीं है, वो अब मेरे पास है। वो तुरंत मैं अभी भारत सरकार हो या राइटिंग एंड स्पीचेस की जो कमेटी बनी है उनको दे दूंगा ताकि ये रिकॉर्ड में आए और लोगों के पास जाए। बाबा साहब अंबेडकर जी की ब्रिटिश लाइब्रेरी की एंट्री लाइब्रेरी कार्ड, जैसे आप लोग कॉलेज में जाते हो तो स्कूल का कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड के साथ लाइब्रेरी आइडेंटिटी कार्ड होता है, लाइब्रेरी कार्ड होता है, उस तरह बाबा साहब का लाइब्रेरी कार्ड मुझे सतपाल ममन जी ने दिया। और बाबा साहब ने लाइब्रेरी कार्ड के लिए, ब्रिटिश म्यूजियम और ब्रिटिश लाइब्रेरी का मेंबर होने के लिए जो एप्लीकेशन लिखा था वो एप्लीकेशन की कॉपी और बाबा साहब का रिकमेंडेशन, बाबा साहब को रिकमेंडेशन किया कि बाबा साहब मेरे स्टूडेंट है, ओनर स्टूडेंट है, उनको ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक्सेस मिलना चाहिए और बाबा साहब को एडमिशन देना चाहिए, ऐसा एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर उन्होंने मुझे दिया। ये 2 डॉक्यूमेंट मैं अपने फेसबुक पेज पे शेयर करूंगा। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमारे पास रिकॉर्ड पे होना चाहिए। मैं आज की जनरेशन को, मैं आज से 60 साल वालों के लिए, 70 साल वालों के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज जो 19 साल का है, 18 साल का है या जो बच्चा आज 5 साल का है, उसको हमेशा याद रहना चाहिए कि बाबा साहब को अंबेडकर ये नाम किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, ये उनके पिताजी ने दिया हुआ नाम है। और बाबा साहब के पिताजी की जगह किसी ब्राह्मण को बिठाने का काम मत करो, जो काम रामजी ने किया हुआ है, जो काम रामजी बाबा का है, वो अधिकार मत छीनो और बाबा साहब के पिताजी का, उनका जो काम है उसको हमेशा याद रखो। बस इतना ही मैं आज लाइव आकर कहना चाह रहा था, क्योंकि अभी जो इंटरव्यू हुआ वो मराठी में हुआ तो मराठी का वीडियो आप लोगों, शायद मेरे नॉर्थ साइड के लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ये लाइव आकर फिर से ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोग
हमेशा ये याद रखिए, ये तो मेरे रिकॉर्ड के लिए है, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए है, तो फिर भी मैंने ये आपको दिया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सरनेम ये बाबा साहब के पिताजी ने दिया हुआ है। तो ये एक सब्जेक्ट आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था, और एक आने वाले समय में राम जी अम्बेडकर जी का चरित्र जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, कम से कम 1500 किताबें पढ़ी हैं, 1500 किताबें, ये मेरे पास शायद इसकी कॉपी यही पर होगी, ये पूरी कॉपी तैयार की है बाबा साहब के पिताजी के चरित्र पर। और ये सारी बातें मैंने इसलिए रिसर्च कर पाया हूँ, इसलिए ये बातें सामने ला पाया हूँ, क्योंकि ये राम जी अम्बेडकर जी का जो काम है वो छुपना नहीं चाहिए, वो हटना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों को ये काम भी करना है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भूत।